घर जमाई, मुंशी प्रेमचंद। हरिदन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था, छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिदन अंदर ना जा सका। इधर एक महीने से उसके साथ यहां जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वो उसके पांव में बेड़ियां सी डाले हुए था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा दी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए बैठी हूं क्या? और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वो बैठी ये फटकार सुनती रही, पर एक बार भी तो उसके मुंह से ना निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो? बैठी गटगट सुनती रही, शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वो कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर ये हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम नहीं कहता हूं, दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को साना पानी देता हूं, छांटी काटता हूं। वहां सब लोग पल पल पर चिलम पाते हैं, मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूं। संध्या समय पर घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे दुहता हूं। उसका ये पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे और गालियां मिलती है। उसकी स्त्री घर से ढोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने ढोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर से भूख लगी हुई थी, समझा अब खाने को बुलाने आएगी। मगर स्त्री ढोल लेकर अंदर गई तो वहीं की होके रह गई। हरिधन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा सोता रहा। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है, क्या पड़ा भी ना रहने देगी या और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने को बुलाने आई हूं। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई, मेरी अब ये नौबत पहुंच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूं, मैं इनका कुत्ता हूं जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहां आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी, अब वो दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया, अब रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साली को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज नहीं खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से, हाँ नहीं तो खाओगे तुम्हारे पेट में ही जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही जाएगा। हरिदन का क्रोध आंसू बन गया, ये मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया, मुझे उल्लू बनाकर ये सब मुझे अब निकाल देना चाहते हैं, वो अब कहां जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो? यहां तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है, जो देते हैं वो मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है? हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, हां अम्मा मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था, अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूं, तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं, वो बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वो परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती,
लेकिन मां तो बच्चे का सर्वस्व है, बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो, उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कुदाने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वो अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वो शिव का नंदी है, पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिदन की माता का आज 10 हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था, वो 16 का कुमार था, पर मां के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निस्सहाय हूं, जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था, मां के लिए रोता था, पर मां की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, उधर आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वो हरिधन को बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज्यादा प्यार करते, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देते कि जैसे चाहे खर्च करे, पर इन मरहमों से वो घाव न पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वो दुलार और प्यार बार बार मां की याद दिलाता। मां की घुड़कियों में जो मजा था, वो क्या इस दुलार में था? मां से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, वो क्या भिक्षादान में था? पहले वो स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता। अब वो बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे पर भूख न थी। साल भर तक वो इसी दशा में रहा, फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसकी संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली मां से बात तक न की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वो फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिदन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सांस ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई, सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वो उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। वो दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वो घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसकी याद ना आती। मानो वो उसके जीवन का कोई भीषण कांड था, जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वो सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग्य बखारते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता, तो उसे जरा भी शिकायत ना होती। लेकिन जब वो देखता और लोग मूछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूं, तो उसके अंतस्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र कुछ 25 की तो थी, इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और, उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। ये उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिदन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था, इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हां में हां मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा,
हम लोगों की बराबरी करते हैं, ये नहीं समझते कि किसी ने उसकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार न हड़प गए होंगे? छोटे साले ने कहा, मजदूर हो तो आदमी घुड़के भी डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे, न जाने इनसे कब पेंट छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपए नहीं दिए हैं, ये नहीं समझते कि उनके 2000 रुपए कब के उड़ चुके हैं, 1.25 शेर तो 1 जून को चाहिए। सास गंभीर भाव से बोली, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जू निकाल रही थी, सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े साले ने कहा, खाने की कोई बात नहीं है, जिसको जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा करना चाहिए, ये नहीं समझते कि पहुनाई में किसी के दिन कटे हैं। छोटाले ने कहा, मैं तो एक दिन कह दूंगा, आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वो बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता, वो भी रानी बनकर रहती, न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी, उसका अपना कोई घर ना था, उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वो भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो है, 2000 रुपए में क्या किसी को मोल ले लेंगे, 10 साल में 2000 रुपए होते ही क्या है, 200 ही तो साल भर के हुए, क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे, फिर कपड़े लत्ते दूध घी सब कुछ तो है, 10 साल हो गए एक पीतल का छल्ला नहीं बना, घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं, जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी, ये नहीं सोचते कि पहले और बात थी अब और बात है, बहू ही पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्म होता है, उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं, गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती है और रुपए देती हैं, महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को, कोई काम नहीं लिया जाता, लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता, वो घर भर की लौड़ी हो जाती है, उनके घर में मेरी तो वही गति होती, फिर काहे का रोना। जो ये कहो कि मैं तो काम करता हूं तो तुम्हारी भूल है, मजूर और बात है, उसे आदमी डांटता भी है मारता भी है, जब चाहता है रखता है, जब जी चाहता है निकाल देता है, कसकर काम लेता है, ये नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सोए रहे। हरिदन भी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा है। हरिदन चट से उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वो आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो गया, ये उनको चौंका देने के लिए काफी था, कुछ जवाब न सूझा। हरिदन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं, तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को न रोक सका, उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं न बहराई हूं, छाती फाड़कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं, ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गरम पड़े, तुम्हें किसी ने यहां बांध तो नहीं रखा है? अब की हरिदन लाजवाब हुआ, कोई बात ना सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम ये चाहो कि जन्म भर पाहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो हमारे बस की बात नहीं है। हरिदन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूं? ये कौन कहता है? तो तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मारा जाए? तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता? हरिदन ने होठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? हरिदन की आंखों में खून उतर गया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी, ये बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिदन ने विष खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूं,
मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो, बुढ़िया ने ऐठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया के एक ही वाक प्रहार ने उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई बौहें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वो जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? ये वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था, न उस भाले का। सारे घर ने खाया, पर हरिधन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए। हरिधन ना उठा। वहां द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मीचकर फिर खोल लेता था। रह रहकर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहां छा जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वो भी इसी तरह क्रीड़ा किया करता था। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई। वो अपना छोटा सा घर, वो आम का बाग जहां वो केरिया चुना करता था, वो मैदान जहां कबड्डी खेला करता था, सब उसको याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी, उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वो उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है। वो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्म सम्मोहित दशा में उसके मुंह से ये शब्द निकले, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है, कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता। क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? ऐसी भी क्या राक्षसी नींद, चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुत तो आई? मैंने कह तो दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी ने कहा, तो कितने दिन तक न खाओगे? अब इस घर का पानी भी न पियूंगा, तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी, बोली, कहां जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब, मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से न कहना, मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहां जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक बता ना दोगे मैं ना जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती, मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। ये कहकर उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसने फिर कर भी ना देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वो अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विहल हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वो इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वो वेग में दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वो आमों के बाग में पहुंचा जहां डालियों पर बैठकर वो हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां के कच्चे बेरों और लिसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वो बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहां की वायु में, वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपिणी माता व्याप्त हो रही थी। वहां की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी
माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शोकार्त हृदय को फिर से बालोत्साह से भर दिया। वो एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वो कठोर शब्द, स्त्री का वो निष्ठुर आघात, वो सारा अपमान उसे भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वो कौन ऊपर चढ़ा है रे? उतर अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वो डालियों में छिप गया, कई आम काट काट के नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से न हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित मालूम हुई, मगर हरिधन यहां कहां? वो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हसोड़ा था, कितना चिबिल्ला, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर आओ। वो गालियां देते जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। फिर सहलाता हुआ बोला, ये कौन शैतान है, नहीं मानता, ठहर तो मैं आकर अभी तेरी खबर लेता हूं। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहां कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहां कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहां आम भी मयस्सर न होते थे? हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वो और कहीं के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है? मंगरू ने कहा, सब चैन चान है भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। दो छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरिधन बोला, अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई, मैं तो अपना ले दे चुका, मजूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बातें करते हो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है, क्या ससुराल में अपना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक ही डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधन ने कहा, अब उसका मुंह न देखूंगा, मेरे लिए वो मर गई तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी महरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धोकर पियोगे, लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? वो ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और मां को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वो अपनी मां की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरे खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहां पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहां अब निराशा थी, पराजय और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था, अब मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी, अब उसमें घुस जाना असाध्य न था। वही घर जिससे वो एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निर्वलम मन ये आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग, अब इन बच्चों को पालो। मां का नाता ना सही, बाप का नाता तो है ही, मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन ने मात्र विहल आंखों से विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के एक एक कोने से मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला।
उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वो अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना, गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। मां से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्टा है। बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं, अदालत तो है। हरिदन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला, महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े, भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह ना देखूंगा।